हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका काइट क्रेजी जोन में। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं कुछ नई पतंगें और मांझा लेके आया हूँ, तो वो आपको दिखाना चाहता हूँ। और कहाँ से लाया हूँ, कितने रुपए के लाया हूँ और किसके रिकमेंडेशन पे लाया हूँ वो अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर पुनीत वर्मा, उन्होंने मुझे ईमेल पे अपना एक स्टॉक का वीडियो भेजा था और उन्होंने मेरे को बताया था कि वो दरियागंज में रईस भाई हैं, उनकी पतंग की शॉप है। तो उसकी उनकी शॉप से वो कुछ पतंग और मांझे लेके आए थे, तो बहुत बढ़िया बढ़िया मांझे लग रहे थे और पतंगें बहुत अच्छी लग रही थी। तो उन्हें देख के मेरे को भी लालच आ गया, तो रईस भाई का नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने उनसे कोऑर्डिनेट करके मैं रईस भाई के पास पहुंच गया पतंग और मांझा लेने के लिए। तो इस टाइम पे रईस भाई की शॉप बंद है बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन, तो मैं उनके घर ही गया था, दरियागंज में ही रहते हैं। तो उनके घर से कुछ 100 पतंग और एक मांझे की चरखी मैं लेके आ गया हूँ। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या लाया हूँ। मैं 50 लेके आया हूँ मंजोली पतंगें छत के पर्पस के लिए, और 50 में लेके आया हूँ अद्धी पतंगें छत के पर्पस के लिए, और एक NRK का 3 रील का मांझा। तो मैं पतंगें दिखा देता हूँ। मैं जो मंजोली पतंगें लाया हूँ उसमें एक डिज़ाइन ये वाला आया, ये गोल फर्मे में है, आई होप दिख रही होगी पूरी तरह। इनमें यह है कि काफ़ो ठड्डे अच्छे लगा रखे हैं, ये देखिए काफ ठड्डे अच्छे हैं। और कोई ये इमरान फैंसी हैं बरेली के, इनके यहाँ की बनी हुई है। और ये वाला जो डिज़ाइन है पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और इसकी फिनिशिंग भी मेरे को ज़्यादा अच्छी नहीं लग पाई, बट उन्होंने मेरी 50 पतंगों के अंदर इसके 2 चौके डाल दिए थे और मुझे पता नहीं चला, और ये आ गया, बस इसको चला लेंगे। और दूसरा डिज़ाइन है ये वाला, ये पतंग बहुत अच्छी है, ये मैंने उड़ा के भी देखी है और बहुत प्यारी उड़ रही है, दूर रेंज में भी जा रही है और लग नहीं रहा उड़ते वक्त कि ये मंझोली पतंग है, ये देखिए। इनमें काफ और ठड्डे जो हैं छिले हुए लगे हुए हैं और सिकाई भी थोड़ी थोड़ी कर रखी है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है ठड्डे की, और काफ भी बहुत अच्छी सेट की हुई है, डिसबैलेंस नहीं लग रही, ठीक लग रही है। तो यह है मंजोली का दूसरा डिज़ाइन। मंजोली का तीसरा डिज़ाइन है ये पाटदार हरी और ब्लैक पट्टी, बहुत प्यारी लग रही है, इसकी ठड्डा भी छिला हुआ अच्छा, सिकाई का पता तो नहीं चल रहा है। और इसकी कमान देखें, कमान भी सही लग रही है, ये काली और हरी पाटदार। फिनिशिंग देख लीजिए इसके पास से, काफ़ी अच्छी लग रही है, हवा में उड़ते बहुत अच्छी लगेगी। चौथी है ये ब्लैक, मैंने उनको कहा था कि अगर आपके पास सिंगल कलर की साड़ी है तो मेरे को दे दो, बट उनके पास सिंगल कलर की करीब 25-30 रही होंगी, तो उन्होंने ऐसे ही दिए मेरे को। ये ब्लैक है लाल पत्ते में, बहुत अच्छी लग रही पतंग, लग नहीं रहा कि मंझोली है। इसके ठड्डा देखो बहुत अच्छा सिला सिका हुआ है और छिला भी हुआ है इसकी, देखो। बहुत बढ़िया इसमें काम किया गया, इसकी फिनिशिंग भी वैसे बहुत अच्छी नहीं है, बट एक मंजोली के हिसाब से ठीक है, टॉलरेबल है, छत में उड़ेगी अच्छी। पांचवा डिज़ाइन ये वाला ब्लैक है, इसमें हल्का पार्ट है बट थोड़ा ग्रे और ब्लैक मिला के कर दिया, पर लग तो सिंगल ब्लैक ही रहा है वैसे। ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग अच्छी लग रही है।
ये फ्रंट साइड से, इसके भी काफ़ी हड्डे सिके हुए और छिले हुए लगे हुए, ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है पता है। तो थैंक यू पुनीत भाई जो आपने मेरे को शॉप के बारे में बताया, और ये मेरे को बहुत अच्छी डील मिल गई है। तो ये मंजोली जो पड़ी है मेरे को, उन्होंने 7.5 रुपये का रेट बताया था पहले, बट उन्होंने कहा कि अगर आप बल्क में लेंगे 50 या 100 तो आपको 7 रुपये लग जाएगा। तो ये मेरे को 7 रुपये की पड़ी है मंजोली, मैं 50 लेके आया हूँ ये, और 50 में लाया हूँ अद्धी अद्धी है ये ब्लू कलर की, ये देखिए फिनिशिंग ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, कागज़ भी अच्छा है, देखिए शाइन मार रहा है, बहुत अच्छा है, काफ ठड्डे सिके हुए और छिले हुए, देखिए बहुत अच्छे हैं। ओह इसकी काफ बहुत सही है भाई, बहुत लॉन्ग रेंज में चली जाएगी, ऐसी है अद्धी, ये बहुत अच्छी अद्धी है, ये देखिए फिनिशिंग के साथ ये अद्धी बहुत ही प्यारी है। इस अद्धी का रेट पड़ा है 10 रुपये, 10 रुपये की एक अद्धी है, और उनके पास एक वैरायटी और थी 12 रुपये की, वो इससे भी अच्छी थी फिनिशिंग उसकी, बट मैं फ़िलहाल तो टेरेस पर्पस के लिए लेके आया हूँ तो मैंने उसको लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास टेरेस वैसी बहुत अच्छी फिनिश वाली पतंग और भी बहुत सारी रखी हुई हैं, वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगा, फुल स्टॉक जिस दिन दिखाऊंगा उसमें दिख जाएंगी। तो ये रही अद्धी, और ये आपके सामने ये सारी मैंने फैला के रखी हुई हैं, ये मेरी सारी पतंगें हैं, 100 पतंग हैं, और ये एक मांझा है NRK का, इसको मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है मांझा जो मैं रईस भाई से लेके आया था, तो इसका नाम देख लीजिए NRK पांडा 5 in 9 तार, तार की स्पेलिंग इन्होंने एक्चुअली तारे लिखी हुई है बट 9 तार लिखना था। तो ये देख लीजिए इसकी क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने नंबर भी लिखा हुआ अपना, ओरिजिनल NRK, और इसके ऊपर ये पांडा NRK, डेट इन्होंने डाली नहीं कोई, और ये रईस भाई ने अपना खुद का स्टिकर भी लगा रखा है, इसमें रईस भाई का नंबर भी आपको दिख जाएगा, और दूसरी साइड में भी ऐसा ही है, रईस भाई का स्टिकर, NRK के आई थिंक साइन होंगे, डेट नहीं लिखी, और ये तो ये पांडा 5 है 9 तार वाला, क्योंकि पांडे के भी मैंने C28 यूज़ किया आज तक पांडा में, और ये फर्स्ट टाइम मैं 9 तार का लेके आया हूँ, और इसका नाम है पांडा 5। एक पांडा होता है पांडा 8 जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में C28 बोलते हैं, वो पांडा 8 होता है, और इसमें होती हैं 6 कॉर्ड, C28 में होती हैं 6 कॉर्ड, पांडा 8 नाम से होता है वो, और ये वाला है पांडा 5, और पांडा 5 में होती है 9 तार। तो आइए खोल के देखते हैं इसमें कैसा है, ये आ गया ग्रीनिश कलर है, ये देख लीजिए क्या निकला है, NRK मैदानी मांझा, आप इसमें इस कारीगर का काम भी देख सकते हैं, जैसे सुताई जो है आपको दिख जाएगी, एक ओवरव्यू मिल जाता है कि काम कैसा किया हुआ बंदे ने। NRK इसमें NRK ने अपना नंबर भी दे रखा है 9634123255, और इसमें पांडा की पर्ची भी लगी हुई है, ये वाली वर्धमान का पांडा, पांडा 5, और ये है आर्टिकल नंबर 323 पांडा 5, और कहीं 9 कॉर्ड भी लिखा हुआ था,
नाइन कॉर्ड, ये देखिए ये लिखा है नाइन कॉर्ड, तो ये नाइन कॉर्ड है। ये C28 से थोड़ा सा मोटा होगा और बाकी सारे, और उससे C28 से मजबूत भी होगा, मोटा भी होगा। तो इसका देखते हैं कैसा है। वैसे ऐसे देखने में ये इतना मोटा नहीं लग रहा है, जैसे बोला जाता है कि इस पतंग से हमें पौनी पतंग उड़ानी चाहिए, पौनी से कम नहीं उड़ानी चाहिए, ऐसे कहा जाता है। ये फोकस हो जाए तो जैसे कहते हैं कि इस वाले मांझे से पौनी से छोटी पतंग उड़ानी नहीं चाहिए, और पर मेरे को लग रहा है कि इससे अधी उड़ जाएगी क्योंकि इतना मोटा ये लग नहीं रहा है। जितना मैंने सुना था इतना मोटा लग नहीं रहा, या तो इसमें कारीगर ने काम बहुत अच्छा किया है, बहुत स्मूथ बना के बिल्कुल ऐसे अच्छे से सामान बिठाया कि ये ज़्यादा मोटा हुआ नहीं। बाकी मैं इसको खोल के देखता हूँ इसमें छल्ले वगैरह बन रहे हैं कि नहीं। ये देखिए ये बन रहे छल्ले, बहुत सारे छल्ले निकल गए। तो ये देखिए तार जैसे छल्ले बन गए इसके, और मांझे का असली बता थोड़ा मांझा गिराने के बाद जो मटेरियल आता है, जो काम आता है, ये देखिए अभी भी ये तार जैसे ही जा रहा निकल गया। तो मैं इसको यहाँ चेक करना चाह रहा हूँ पर ये मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा, तार के जैसे निकले जा रहा है। तो ये अब देखिए इसकी यहाँ पे है इसकी धार, A1 धार, धार के साथ, ओह मेरे उंगली में लग गया, धार के साथ इसमें स्मूथनेस भी है, बहुत अच्छा गर्मी के पर्पस का मतलब का मांझा है। धार के साथ स्मूथनेस के साथ बहुत अच्छा लड़ेगा छत पे, मैदान में तो अलाउड नहीं होता नाइन कॉर्ड, पर ये छत में बहुत अच्छा चलेगा। ये देखिए और इतना ज़्यादा मोटा भी नहीं लग रहा है नाइन कॉर्ड के हिसाब से, तो मेरे को लग रहा है कि अद्धी वगैरह सब इसमें चल जाएंगी, और इससे उड़ा के मैं बताऊँगा ज़रूर कभी कि कैसा रहा। वैसे आप भी पूछ सकते हैं कमेंट में, तो क्योंकि अभी को मेरे को रिव्यू करना था इसलिए मैंने ऐसा यूज़ नहीं किया, अब रिव्यू कर लिया, अब इसे मैं खोल के छत पे जाके भी यूज़ करूँगा। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, सुताई आपने देख ली होगी, सुताई भी बहुत अच्छी की हुई है कारीगर ने, और चमक मेरे को ज़्यादा इतनी दिख नहीं रही, ज़्यादातर धूप में चमकता है बहुत मांझा, अब ये ट्यूबलाइट में इसका कुछ दिख नहीं रहा खास। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मांझा है, और रेट इसका है उन्होंने मेरे को दिया 800 रुपये का 3 रील। चरखी बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंट टाइप की लग रही है, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आ रही है, और 800 रुपये की 3 रील दी है। 9 कॉर्ड के हिसाब से 800 रुपये ठीक है, क्योंकि अगर C28 भी लेता तो मेरे ख्याल से 700-750 का पड़ जाता NRK का, तो 9 कॉर्ड के हिसाब से इसका रेट बहुत अच्छा है। और पुनीत भाई को थैंक यू सो मच जो उन्होंने मेरे को रेफ़र किया रईस भाई की शॉप की तरफ, तो मैं उनसे अच्छी पतंगें और ये अच्छा मांझा ले आया। रईस भाई की अद्धी बहुत अच्छी है, और मंजोली जो पहला मैंने आर्टिकल उसका दिखाया था मंजोली का, वो सबसे इतना अच्छा नहीं, पर बाकी बहुत अच्छी पतंग है। तो अब इसका मैं आपको दिखा देता हूँ जो पुनीत भाई ने मेरे को अपना वीडियो भेजा था, जिसको देख के मुझे टेम्पटेशन हुई थी वहाँ जाने की। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद आप देखिए पुनीत भाई का उनका अपना स्टॉक और उनका सारा सामान और कितने का लेके आए थे और क्या रिव्यू है उनका। तो आप पुनीत भाई की वीडियो इसके बाद आप डायरेक्ट देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो सो फार। अब आप पुनीत जी का वीडियो देख के उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। हाय गाइस, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पतंग हमने रईस भाई पतंग वाले हैं दरियागंज में, उनसे लिए हैं। आप देख सकते हैं जो इनकी पतंगों में ये इसमें कुछ डिज़ाइन और थे वो मैं यूज़ कर चुका हूँ। हम 150-200 पतंगे लेके आए थे, तो ये हैं कुछ पतंगे जो इनमें ये ठड्डा लगा हुआ है ना, ये अद्धी पतंग का ठड्डा है, ये 23 उसके आसपास का है, और ये अद्धी पतंग का ठड्डा है, और ये बहुत बढ़िया पतंग है। ये 7 रुपये एक पीस की पतंग है, बहुत अच्छा खींचती है। आप इसको छत से फाइटिंग करने के लिए, काइट फाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। अधिकतर पतंगें सही होती हैं बिल्कुल, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा बहुत ही फेवरेट, मेरे को प्लेन कलर बहुत पसंद होते हैं, काले के साथ लाल पत्ता मेरा फेवरेट है, तो लाल पत्ता था नहीं तो सफ़ेद था,
कोई बात नहीं, ये डिज़ाइन आप देखें, ये डिज़ाइन देखें, ये डिज़ाइन देखें, ये कुछ पतंगे हैं जिनके हमने कन्ने डाल के रखे हैं जिससे कि हमें दिक्कत ना हो, अभी छत से काइट फाइटिंग करते हैं तो ये कुछ पतंगों के कन्ने हम पहले से ही डाल के रख देते हैं। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ मांजा, ये सारे मांजे जितने हैं ये हमने रईस भाई से ही लिए हैं। ये मांजा मैंने पिछले साल लिया था, ये है हम अभी तक हमने जितने भी ये धागे वाले मांजे लिए हैं ये यासीन छुटका जी के मांजे लिए हैं, आप देख सकते हैं ये इनका मांजा, ये C28 है, ये C28 है यासीन छुटका जी का। और ये देखें आप पतंगे, एक सेकंड, ये देखें आप ये C28 है यासीन छुटका जी का। ये ऊपर का मांजा थोड़ा सा मैंने काइट फाइटिंग की थी तो मांजा ज़्यादा लग गया था तो वापस मैंने इसी में लपेट दिया। इस मांजे की खासियत ये है कि इसमें बहुत अच्छा कांटा है, क्लोज कर दे थोड़ा सा, ये आप छल्ले देखें, ये देखें आप, ये थोड़ा सा मांजा ये आगे उड़ा हुआ है क्योंकि सर्दी बांधने का मौका नहीं मिला था, पेचा लग गया था ढील का। तो ये आप अभी तक इसमें छल्ले देखें, ये मांजा उड़ रखा है, आप छल्ले देखें, आप ये यासीन छुटका जी के मांजे के छल्ले देखें आप, ये मांजा काइट फाइटिंग कर चुका है, उड़ चुका है, उसके बाद आप छल्ले देखें। और ये एक साल पुराना मांजा, ये 3 रीलें मेरे को 700 रुपये की पड़ी थी, मैंने उस टाइम काफ़ी उनसे स्टॉक लिया था, पतंगे भी ली थी 200-250, और ये तब उन्होंने मेरे को, ये 750 का था, उन्होंने मेरे को 700 का दिया था। आप ये देखें, ये है यासीन छुटका जी का ही मांजा, ये देखें आप, इसमें भी ये देखें, इसमें भी देखें आप यासीन छुटका जी का मांजा है, ये 123 का है, ये 123 का मांजा है, ये C28 है, ये 123 है, आप इसको भी देख सकते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कैसे इसके छल्ले देखें हम नीचे बनते हुए, ये बहुत बहुत सुंदर और बहुत अच्छा मांजा है ये, इसको आप ढील से लड़ा लो, फंसा के लड़ा लो, खींच के लड़ा लो, जैसे मर्जी लड़ा लो, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत स्मूथ है। और ये 123 का है, ये हमें 900 का पड़ा था एक चरखा, ये भी 123 का है, ये एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, ये उसका है, और ये है मेरा, ये 123 का मांजा, ये भी देख सकते हैं। मेरे को काला रंग थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने मांजे लूँ काले रंग के लूँ, आप देख सकते हैं छल्ले, तार की तरह मांजा है बिल्कुल, आप खुद देखें, देखें ये छल्ले देखें, तार की तरह मांजा है ये मांजेगा, लेकिन जो है ना इससे हमेशा सद्दी बांध के उड़ाएं क्योंकि ये मांजा बहुत बेरहमी से उंगली काट देता है, उंगली अंगूठा आप पतंग खींचेंगे तो ये आपकी उंगली को इंजर्ड कर देगा, तो इसलिए कोशिश करें इस तरीके से आप थोड़ा सा मांजा बांधें। ये देखें, ये कल मैंने मांजा बांधा था और ये इनमें से भी वो पतंग भी हमारी कटी नहीं थी, वापस आ गई थी, हमने उससे 3-4 पेचे काटे थे और वो पतंग वापस आ गई थी। और आप इस मांजे में काबिलियत अभी तक देखें, ये कल ये मांजा बहुत लड़ा है, अभी तक इसमें बिल्कुल तार की तरह धार है, ये नरम नहीं पड़ा, ये अब भी बहुत पेचे काटेगा, थोड़ा सा पेचा लगाने का भी टैलेंट होता है, तो बस आप ज़रूर एक बारी विजिट करें। ये 7 रुपये की पतंग है, मंजोली है ये, पर ये अद्दी से थोड़ी सी ही छोटी है, ये C28 का 3 रील का था, इसमें से अब ये 1 रील ही बची है और बाकी सारा ख़त्म हो गया। इस मांजे में बहुत अच्छा कांटा है। इस मांजे की आपको एक खासियत बता दूं मैं, जब मैं इस मांजे से उड़ाता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पौने की पतंग उड़ाऊँ, अभी मेरे पास नहीं है, वो मैंने लानी है, लॉकडाउन खुल जाए तो लाऊँगा, छत से पौना लड़ाने का फ़ायदा भी नहीं है, हमारे यहाँ आसपास ही पेचा होता है 200 मीटर पे ही, तो पौने का फ़ायदा नहीं होता, तो इसलिए हम ये वाली उड़ाते हैं, बहुत मारधार के पेच होते हैं यहाँ पे। तो इसकी मैं आपको खासियत ये बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि दो पतंगे लड़ रही होती हैं ढील से, तो अगर मेरे को मौका मिलता है मैं दोनों को एक ही साथ खींच जाता हूँ, इस मांजे से करता हूँ मैं, ये इनसे नहीं करता क्योंकि मेरे को उनमें जैसे थोड़ा लगता है कि भाई वो ना शायद खींच पाए, पर ऐसा नहीं है, वो भी खींच देंगे, बट इससे मैंने पिछले साल बहुत किया था, जो दो पतंगे ढील से पेचा लग रहा होता था ना उनका, मैं दोनों को खींच जाता था एक सांस में, एक खिंचे में दोनों वो हो जाती थी। तो ये इस मांजे की तारीफ़ है कि इसने कभी भी हमारी पीठ नहीं लगने दी।
चलो गाइस, इसके साथ ही मैं वीडियो बंद करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप काइट क्रेजी जोन का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद, मेहरबानी आपकी।